ताकि इस मौके पर बीमारी से बचने के लिए लोगों को अपने जीवन पद्धति में बदलाव लाने की बात कही। कि हर बच्ची अपने घर जाती है और जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज है फर्स्ट पेरेंट्स को पिता हम यही कहना चाहेंगे कि मॉर्निंग वॉक का कोई सबसे चूक नहीं है। कुछ भी आप इसका अल्टरनेटिव करें कि ये व्यायाम करते हैं, ऐसे करते हैं, वो क्या करते हैं, लेकिन नंबर वन इज वॉकिंग। और इसका मैं व्यवहारिक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। तो 1990 से हमारे हस्बैंड डायबिटिक हैं और उन्होंने एवरी डे मॉर्निंग वॉक किया है फॉर 1 आवर विश्वा, और कभी डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा हुआ। फिजिकल वर्क बहुत ज़रूरी है, और अगर आप 5 से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चलते हैं, अगर आप करीब 3 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं तो करीब करीब 160 से 180 कैलोरी आप बर्न करते हैं, और डायबिटीज़ जो होता है उसमें एक्स्ट्रा कैलोरी होता है, उसका यूटिलाइजेशन थोड़ा नहीं होता है उसका, इस कारण से इंसुलिन की कमी से जो यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जिस कारण से वो अन्य ऑर्गन्स को, एंड ऑर्गन्स को, सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। अगर आप वॉक करके कैलोरी बर्न करते हैं तो बहुत हद तक डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में